कल रात तो मैंने आपकी पूजा की थी, आपने आपने मेरा भोग भी स्वीकार किया था, फिर आज आप कहाँ चले गए गणेश जी? क्या मुझसे कोई भूल हो गए? मुझे क्षमा कर दो गणेश जी। इस बार मैं कोई भूल नहीं करूंगी गणेश महाराज, सच्चे मन से आपकी सेवा करूंगी। लगता है आपने मुझे क्षमा नहीं किया। यदि आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे तो मैं इसी नदी में डूब कर मर जाऊंगी। जय जय शिवा गणेश। हे सबका मंगल करने वाले मंगल मूर्ति गौरी पुत्र श्री गणेश, प्रकट हो, अपने पावन दर्शन से अपने भक्तों का कल्याण करें। प्रकट हो गौरी पुत्र श्री गणेश, दर्शन दे गौरी पुत्र श्री गणेश। ओम गं गणपते नमः। आपकी जय हो, आपकी जय हो गौरी पुत्र श्री गणेश। आपकी कृपा पाकर ये अधम असुर भयासुर धन्य हो गया। स्वयं को असुर अथवा भयासुर कहकर तो परम देव श्री महागणेश की कृपा और इच्छा का अपमान करने की भूल कर रहे हो। गं 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 गं, ये आप क्या कह रहे हैं गौरी पुत्र श्री गणेश? वही जो सच है, अपने अभिमान को नष्ट करने के लिए अपने को नीचा समझना अच्छी बात है, परंतु परम देव श्री महागणेश की कृपा से तुम अब हर शाप तप पाप दोष और अभिमान अहंकार से सुरक्षित हो। श्री महागणेश भक्ति से तुम्हारे भीतर के असुर भाव का अंत हो चुका है। जय जय श्री महागणेश, जय जय हो मंगल मूर्ति। इस बात का ध्यान रखना दयासुर कि भविष्य में तुम्हें अपना परिचय दयासुर के नाम से ही देना है। जो आज्ञा मंगल मूर्ति, अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी। जय जय श्री महागणेश। अब कहो किस कारण पुकार रहे थे तुम मुझे? संसार पर विनय करने वाले विनायक, इस बालिका मंदा पर भी अपनी विनय दृष्टि डालें, इसकी सहायता करें मंगल मूर्ति। आपकी कृपा से मैंने इसके लिए जो आपकी मूर्ति बनाई थी, न जाने वो कहाँ खो गई। कृपया कृपया उसे फिर से प्रकट कर दे गौरी पुत्र। दयासुर, तुमने जो मूर्ति बनाई थी वह इसकी सौतेली माँ की काली खलबूतों के कारण अदृश्य हो चुकी है। अब तो तुमको इस बालिका के लिए एक नई मूर्ति का निर्माण करना होगा। जय जय श्री महागणेश। हे मंगल मूर्ति, नई मूर्ति तो आपके संकेत मात्र पर प्रकट हो सकती है, फिर आप मुझे तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हें मूर्ति बनाने का कष्ट न देकर चमत्कार से मूर्ति प्रकट कर दे? ऐसा करना अनुचित होगा दयासुर। मैं कुछ समझा नहीं गौरी पुत्र। भक्त के सामने यदि चमत्कार होने लगे तो वह हर काम को पूरा करने के लिए चमत्कार की ही आशा करता है। मंदा जैसी आयु में ऐसी भावना को होना अनुचित हो सकता है दयासुर, इसीलिए मूर्ति बनाने का काम तुमको ही करना पड़ेगा, जिससे मंदा का विश्वास बना रहे। जो आज्ञा मंगल मूर्ति। जय जय श्री मां गणेश। ओम महागणेशाय नमः। जय जय श्री मां गणेश। ओम गण गणपते नमः। ओम महागणेशाय नमः। श्री गणेश भक्त साधु महाराज, आपने पहले भी ठीक समय पर आकर मेरी सहायता की थी। जय जय श्री मां गणेश। बता बेटी, श्री गणेश जी अपने भक्तों पर सबसे शीघ्र कृपा करते हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि तुम्हें सहायता की आवश्यकता है, उन्होंने तुरंत मुझे भेज दिया। क्या गणेश जी आपसे मिले थे? नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारी गणेश मूर्ति कहीं खो गई है तो मैं। आपको पता कैसे चला साधु महाराज?
मैं भी तुम्हारी तरह गणेश भक्त हूँ ना, इसीलिए श्री गणेश जी कृपा से मुझे सारी बातों का पता चल जाता है। तब तो आपको ये भी पता। बंदा बेटी, बातों में समय ना गवाओ। लाओ, मैं तुम्हें पहले से भी अधिक सुंदर श्री गणेश जी की मूर्ति बना कर देता हूँ। जय जय श्री माँ गणेश, 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 जय जय श्री माँ गणेश। ओम गं गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। आह, ओम गं गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गं गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। जय जय श्री माँ गणेश। लो मंदा बेटी, तुम्हारी गणेश मूर्ति बन गई। अभी कैसे बन गई साधु महाराज, अभी तो इन पर रंग रोगन भी करना है। अच्छा तो जाओ पहले इस पात्र थोड़ा पानी ले आओ। हाथ तो मूर्ति बनाने के बाद ही धोएंगे ना, पहले रंग तो कर लो। भक्तों की सेवा में कैसी कैसी परीक्षा देनी पड़ती है। आप किस परीक्षा की बात कर रहे हैं साधु महाराज? मैं किसी परीक्षा की बात नहीं कर रहा मंदा बेटी, तुम जाओ उस पात्र में थोड़ा पानी ले आओ, जाओ तभी तो रंग बनेंगे। परंतु पिछली बार तो पिछली बार की बात पिछली हो गई, अब तो तुम अगली सुनो। पहले जाओ और थोड़ा पानी ले आओ बेटी, फिर ही रंग होगा। मेरे आने पर रंग रोगन कर लेना साधु महाराज। अच्छा जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। इस पालिका के आने से पहले मुझे अदृश्य हो जाना चाहिए, बालहट के सामने मेरा सारा किया कराया चौपट हो जाएगा। गौरीपुत्र श्री गणेश के चमत्कार का जो रहस्य, इसे नहीं बताना चाहिए, वो मुझे बताना पड़ेगा। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। बिना ही चले गए। क्या बात है धन्नो, आज रसोई नहीं बनेगी क्या? आपने ना अपनी बेटी मंदा को बहुत सर पे चढ़ा रखा है, घर के कामकाज में मेरी कोई सहायता ही नहीं करती है, मैं ही दिन रात घर का काम करके मरती खपती रहती हूँ। परंतु मंदा है कहाँ? मुझे क्या मालूम कि आपकी लाडली बेटी कहाँ है, मुझे बताकर कहाँ जाती है, पता नहीं उसका कि सुबह से कहाँ है वो। तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। धनु, धनु तुम तो कह रही थी कि मंदा घर में नहीं है, पर वो तो अंदर पूजा कर रही है। मूर्ति तो है नहीं, फिर वो पूजा कैसे कर सकती है? सुनो, मुझे पटवारी काका ने बुलाया है, मैं उनसे मिलकर आता हूँ, तब तक तुम लोग दोनों रसोई बना लो। रसोई तो मैं अवश्य बनाऊंगी, किंतु अन्न की नहीं, तुम्हारी उस मंदा की। ओम गं गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः।
सीता। कान खोलकर सुन ले तू, घर का काम का छोड़ के यदि तूने गणेश जी की पूजा की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मार मार कर तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। चल उठ उठ, चल चल, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी तू? मुझे गणेश जी की पूरी पूजा कर लेने दो नहीं, गणेश जी को भोग लगा लेने दो, नहीं तो बहुत पाप लगेगा, गणेश जी फिर रूठ जाएंगे। रूठ जाएंगे तो रूठ जाए मेरी बला से, तेरे इतने ही प्रिय थे गणेश जी, तो तेरी माँ को क्यों खा गए वो? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है नहीं माँ, गणेश जी सब पर कृपा करते हैं, वे बड़े दयालु हैं। हाय हाय, तेरी माँ को अपने पास बुलाकर बहुत दया दिखाई उन्होंने। क्या जाने, इसी में हम सबका भला हो। हाँ, बड़ी आई मुझे भला बुरा सिखाने वाली। देख रही मंदा, तू ये सारा काम कर ले, नहीं तो आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ, मार मार के तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। पहले ये रसोई बना लेना, फिर वो जो बर्तन पड़े ना उन्हें मांज लेना, समझी? चल। हाँ। मंदा को भी खाना खिला देना, मैं सोने जा रहा हूं। हमेशा अपनी बेटी मंदा के बारे में ही सोचते हैं, मेरे विषय में तो कभी नहीं सोचते। मैं उस कलमुई को ऐसा खाना खिलाऊंगी कि वो जीवन भर याद रखेगी मुझे। जानते हो, आपसे किसी के भी मन की बात नहीं छुप सकती। आज नईमा ने मुझे आपको प्रसाद चढ़ाने नहीं दिया, इसमें नईमा का कोई दोष नहीं है गणेश जी, मैंने ही घर का सारा काम नहीं किया था ना, इसीलिए नईमा गुस्सा हो गई थी। अब यही है गणेश जी, इस बच्चे कुचे को भोग समझकर स्वीकार कर लो। गणेश जी, अगर आप मेरे भोग को स्वीकार नहीं करोगे तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे और मेरी नई माँ को क्षमा नहीं किया। क्षमा कर दो गणेश जी, नहीं तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी, भूखी रहूंगी। तुम यही सोच रही हो ना मंदा, तुम्हारा सारा भोजन तो मैं खा गया, अब तुम क्या खाओगी? नहीं नहीं गणेश जी, मैं ये नहीं सोच रही, मुझे तो भूखे रहने की आदत है। परंतु हम अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रहने देते, जाओ रसोई घर में जाकर देखो तुम्हारे ये स्वादिष्ट भोजन वहाँ रखा है। परंतु मैं तो रसोई घर से ही सब कुछ यहाँ लेकर आई हूँ। सब कुछ नहीं, केवल कुछ, सब तो वही रखा है, जाओ देखो तो सही मंदा।
कितने दयालु हैं। आपकी जय हो गणेश जी। ओम मां गणेशाय नमः। हे दयालु परमदेव श्री मां गणेश, आपकी दया पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। जय जय श्री मां गणेश। महादेव, क्या आप मुझ पर कृपा करने के इच्छुक नहीं हैं? क्या सच्चे मन से आपकी भक्ति करने वाले इस भृगुपुत्र शुक्राचार्य का जीवन व्यर्थ हो गया है? उत्तर दे महादेव, अन्यथा आपकी भक्ति की सौगंध ये शुक्राचार्य अपने इस व्यर्थ जीवन का अंत करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करेगा। प्रणाम दैत्य गुरु। तुम फिर यहाँ आ गए। मुझसे आपका दुख देखा नहीं गया दैत्य गुरु शुक्राचार्य। दया और सहायता की भावना से मैं स्वयं को आपके समीप आने से रोक न सका। मुझे तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा नाम भयासुर है, इसीलिए तुम सबको भयभीत करते रहते हो। किंतु मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य हूँ। मुझे भयभीत करने का प्रयास तुम्हें यमलोक में ढकेल देगा। जय जय शिव गणेश। दैत्य गुरु, मेरा नाम भयासुर था, किंतु अब परम देव श्री मागने की कृपा से दयासुर है। इसी दया और सहायता की भावना से मैं आपके आश्रम में आया हूँ। दया और सहायता का ढोंग दिखाकर मुझे भ्रमित करने का प्रयास न कर। जय जय श्री महागणेश। मैं अपनी भावना को सिद्ध करने के लिए महोत्कर श्री गणेश द्वारा किलित इन तीनों पातालवासी दैत्यों को पुनः जीवन प्रदान करता हूँ। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। इस चमत्कार के पीछे भी तुम और तुम्हारे आराध्य महागणेश का षड्यंत्र होगा। देखते क्या हो धूम्राक्ष, इसे अवसर देने से पहले ही यमलोक पहुंचा दो। तुम्हारे विजय मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही दुष्ट है, समाप्त कर दो इसे। जो आज्ञा दैत्य गुरु। भक्ति का ढोंग करने वाले इस दुष्ट और दैत्य जाति के इस कलंक, दयासुर का खेल अब समाप्त। संदेह और स्वार्थ ने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है दैत्य गुरु। अब महोत्कर श्री गणेश की इच्छा होने तक ये धूम्राक्ष इसी तरह मूर्तिवत खड़ा रहेगा। जय जय श्री महागणेश। तुम दोनों जैसे भीरु और कायर दैत्य मैंने आज तक नहीं देखे। तुम्हारे भीतर यदि दैत्य जाति का स्वाभिमान है तो अपने पिता को दंडित करने वाले इस भयासुर को यमलोक पहुंचा दो। जो आ गया दैत्य गुरु।